बाबा दास जी के 450वें प्रकाश पर्व को लेकर पठानकोट में आज एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में लोग एकत्रित हुए वे शोभा यात्रा का हिस्सा बने। वहीं इस मौके पर पंजाब कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने भी शिरकत की। आज श्री गुरु नाभा दास जी जेड़े बहुत बड़े चिंतक भी ने और जिन्हों की जीवनी जिन्हों की सारी रचना समाज में एक बहुत बड़ी सेध प्रदान करती है और इस कायनात के अंदर एक बहुत बड़ा उन्होंने उच्चा स्थान है। मैं श्री गुरु नाभा दास जी के अज 450 दिवस के उत्ते जी शोभा यात्रा मेरे बहुत ही प्यारे अजीज डॉक्टर भजूरा जी और साडे संत साहिबान जेडे साडे इस वेले सानू मार्ग कर रहे ने मार्गदर्शन कर रहे साडा और मेरे नाल प्रधान कुक जी सोहन लाल जी जिन्हें भी मेरे नाल जुड़े आ जेडे इस शोभा यात्रा की शान भी ने। सो मैं दिल की गहराइया तो पंजाब सरकार वालों अपने वालों मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों श्री गुरु नाभा दास जी के इस 450वें प्रगट दिवस उत्ते दिल की गहराइया तो मुबारक भेंट करदा लख लख उन्हां नूं मुबारक और मैं आस से उम्मीद करदा साडा समाज जिस समाज के विचों श्री गुरु नाभा दास जी प्रगट होए उन्होंने अपनी संसार के अंदर जिंदगी दे विच बहुत बड़ी रचना की और मानवता का मनुखता का संदेश दिता जिहड़ा अज भी साडे लई रोशनी प्रदान करता। सो मैं अज इस 450वें दिवस के उत्ते इस शोभा यात्रा शामिल सारे वो भैन भरा ते जिहड़े घरां च भी बैठे ने समाज के समुचे लोगों नूं अपील करदा कि ऐसे संतां ऐसे ऋषि मुनियां दा ऐसे रहिबरां दा दिन इकट्ठे हो के शांति सद्भावना ते भाईचारे दे नाल मनाया जावे ते उन्हां दे विचारां तों जिहड़ी आ वो प्रेरणा लैके अपनी जिंदगी दे अंदर नवीं पुलांघा पुट्टन दे लई जिहड़ा सानू वो सोचना चाहिए। फिर दोबारा पंजाब सरकार वालों मैं अपने वालों सब लोगों नूं अज श्री गुरु नाभा दास जी के 450वें दिवस के उत्ते मैं लख लख मुबारक भेंट करदा।